What's up? और जैसे हम पानी की तरह सौंठ वाला दिनेश
what is your take on cross-cultural या same culture, which is more beneficial, like which is beneficial कि यहाँ पे फायदे किस चीज़ के होते ज़्यादा? अगर एक ही कल्चर में शादी है पंजाबी पंजाबी सिंधी cross-cultural ना, दो टाइप का खाना मिलता है। हाय, ये आदमी सच्चा आदमी है यार, बातें खाने पे ही आ जाती हैं। या तो टाइम लंच का हो गया शायद इसे। सर क्वेश्चन रिपीट करो। अच्छा, क्या फायदा है, फायदे या नुकसान? आप खाना बनाते हैं सर? खाती बहुत हूँ। जवाब मिल गया। क्या बनाते खाना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आता ही नहीं। ये अच्छा आदमी है। नहीं आता सर। दिनेश आप बनाते खाना? बढ़िया बढ़िया। क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे उबाले थे क्या? यार ये आदमी मैं चाय अच्छी बनाता हूँ यार, चाय बना सकता हूँ मैं, मान गया। तो अच्छा, शादी बात ये कितना इम्पोर्टेंट है कि पति पत्नी जैसे बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग अभी कालाकट्टा कच्ची कैरी डेट नाइट्स मूवी नाइट्स वेकेशंस, कितना इम्पोर्टेंट है कि पैसे खर्चना इम्पोर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है, वरना प्यार तो खिड़की से बाहर पूछ जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं होते। हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस क्या क्या करते हैं? स्टिंजी माइजर। गिव मी एन एग्जांपल, डू यू थिंक यू आर स्टिंजी इन रियल लाइफ? विकी थोड़ा सा तो हूं ही यार। गिव मी एन एग्जांपल, जैसे सूप 2x3 1x2 ऑर्डर करते हो जाके, जैसे आप वो कंटेनर बैठे होगे एक 1x2 वेटर कहते हैं गरीब। नहीं मेरा ना उस पे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में। हाँ कुछ कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफी डिस्कशन होती है, जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए मनाने के, हम बार लगाए हॉल में, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ। वो जितने का बार था मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा मैं ट्रे में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, ये नहीं आएगा घर पे, ये बहुत महंगा है भाई। देख रहा हूं कितना ये मेरा साइनिंग अमाउंट है यार। ये तो इसमें कभी नशा चढ़ेगा ही नहीं यार, इतने की बार आ गई तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं पैसे पीते हुए। पैसे गए मैं कर नहीं, ये हम इतने की कभी सेल पे जाते सेल, सर आप शॉपिंग करते हो कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए, जैसे अमेज़न पे गए उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया फिर जब सेल? जनपद जनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ, वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ मैं, बहुत भी चीप हूँ मैं। सारा की कहानी सुनाऊं? ये सच में है। हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में, लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी, क्या हो गया मुझे लगा कुछ पर्सनल सा होगा, बीच में नहीं पढ़ता हूँ ठीक है, तो फिर से बात कुछ नहीं हो क्या हो गया? मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है। तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उस पे डांट रही है ये, अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो। होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना। एग्जैक्टली यार, इतने अच्छे निर्माता इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते हम, ये बिल भर देते। वहां दिनेश से कि हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, 600 तौलिया गई ना खाने में खा रही थी। तो बट तो कहां आप होटल से क्या क्या चीजें लेके जाती है? ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं। वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, ऑल ग्रे, ऑल व्हाइट, ऑल येलो, वो सारे मैं ले जाती हूं। वो लोग पीते हैं? नहीं मतलब कभी भी होटल से कुछ आजकल इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिछकाओ तो निकले शावर जल के, तो साबुन भी नहीं देते। कभी चुराया होटल से कुछ? नहीं होटल से नहीं लिया है मैंने, एक से वो जो एलमंड के केस होते हैं ना वो वाले, वो मैंने एक दो बार लिए, वो बड़े सही लगते हैं। लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, दो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं। एक्चुअली हाँ यार सही बात, वो तो खरीदा हुआ होता है, वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं उनको काजू बेचने हैं। काजू से वही की धर्म है, कह रहे हम आप क्रैश कर देंगे बड़ा काजू खरीदेंगे आप मोटर से पहले। सही है। कितनी कोशिश करती है सर आपने मिडिल क्लास देखने के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता मिडिल क्लास आप बॉडी देख रहे हैं छोटी इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है।
जान निकल गई है, ऐसे ही बोलते हैं हम हमारी पिक्चर बेच तुम्हें तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए। ये सच में 600 तौलिया और मेकअप का सामान, वो आदमी बिल भर भर के पागल हो रहा है। अरे ये बहुत नो फ्रिल्स नो नाटक नो वीर शक्ल तो कुछ नहीं कर सकते, मिडिल क्लास की शक्ल अलग नजर आती है, उनकी हरकतें अलग होती हैं। नहीं हमारे हमारा क्या है, हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है, पर अदरवाइज शी इज वेरी गुड मिडिल। हां वो देख रहा 1600 रुपए का, अब मैं जितना अमीर हो जाऊं मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा। आहा वो प्रॉब्लम है, नहीं आप कब ऐसा है मतलब मैं अच्छा लगा लेकिन इतनी हैंडसम का क्या मतलब है, मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग है। ये सही बात, ये लड़की ने सही बात बोली है। तो अभी तो बोलो हैंडसम बोलो, मतलब मैं मिडिल क्लास लगता हूं। वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं, आप बोल रहे नहीं हो वेरी हैंडसम, इसका मतलब है कि हैंडसम और मिडिल क्लास नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं वो मुझे ये बोले, वो मैं चाहता हूं मुझे भी वही बोले। चल एग्जैक्टली का ये भाग जाएगा। शादी से एक दिन पहले और शादी से एक दिन बाद, व्हाट वाज द चेंज वी केन इन लाइफ, एक दिन पहले और एक दिन बाद? शादी के एक दिन पहले आई वाज ड्रंक, शादी के एक दिन बाद आई वाज हंगओवर। सीरियस है फैक्ट है, हमारी कंट्री भी हंगओवर। क्या ये कौन आ गया यहां पे दिनेश, व्हाट वाज योर, व्हाट वाज योर्स, शादी से एक दिन पहले शादी के एक दिन बाद? रात को मेरे ख्याल से चलती है लाइक, मतलब एक और इंसान और बीवी, हाँ तीन लोग, माँ भी तो है दिनेश का, मैं माँ को ना छोड़ूंगा। एक रात में 2:30 बजे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था पलट के, उल्टा लेट के, लाइट बंद, मैंने राइट मूव किया, मेरी बीवी ने मेरे साथ करवट ले रखी थी, ऐसा मेरी आंखों के साथ ऐसी ऐसी जगह से फटफट के आवाज आई है ना, और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया, मैं पागल है। अगले अमावस्या को चादर उठाया, देखा उसके पांव उल्टे तो नहीं होते, लाइक आई वाज सो स्कैर्ड। हाउ मेनी व्हाई यू नॉट गेटिंग अलोंग विद योर ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड्स एंड वाइव्स? ये मतलब भरा बैठा 11 बजे से मैं भगवान जो है ना लाइफ में संतुलन हमेशा देता है हर एक किसी को, तो जब मेरी रियल लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना कि कटरीना मिल गई है, तो उन्होंने कहा भाई कि तेरी रियल लाइफ में हमेशा गड़बड़ रहेगी, पर तेरी रियल लाइफ में शॉर्ट कर दूंगा, तो ये बैलेंस है लाइफ की। Mukko and Kedarnath or Rinku and Atrangi rave, people have somewhere accepted you. There's always a relatability factor whenever you become a girl from the small town of India. You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. Thank you. Hi, hi. Mayur here. Vicky to your left. Mayur here from Beyond Bollywood. Rajin, sir, aap bhejo. Main sir. Acha. Are ye baat kya baat hai, kya baat hai. Obviously, I think मेरे करीब ने पहले पूछा कि इससे पहले जो भी आपने फिल्में की है उसके अंदर complex relationship रही है, but इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई। I think he's the fourth actor जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है। जिसको शादी करनी है इसके साथ पिक्चर कर लो। कर बोल चुकी हूँ, जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, just make them sign a film with me. I think that's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately. Obviously, आपने जैसे भी कहा कि ये शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई, और यू नो तो उस स्थिति में obviously you are in you know in a moment, blissful moment of your life.
तो फिर उस रियल लाइफ को यू नो ऑब्वियसली सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना यू नो ड्यूरिंग दैट मोमेंट कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो शादी हुई थी और उसके दस दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने, एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफ़ी सारे लोग शादीशुदा हैं तो पता ही है हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफ़ी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियाँ ही बढ़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, वही कोशिश की। Question for you. So I wanted to know Zara Hatke ki story mein, was there any relatable moment from your real life for you in the entire story? कुछ क्योंकि मतलब हम सब जो एक फैमिली स्टोरी जब आप बनाते हैं तो माँ बाप मामा मामी ये सब हम सब रिलेट करते ही हैं, यू नो मेरे जो पूरा परिवार है रिलेटिव्स का, देयर नॉट इन बॉम्बे, वो सारे कुछ पंजाब में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ देहरादून में है। तो पर जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जो माहौल बनता है, जैसे पिछले साल मेरी कज़न की शादी थी हिमाचल में, तो जब हम वहाँ गए थे तो हम एक ही कमरे में 10 लोग सो रहे थे हम, क्योंकि वो जो माहौल जो साथ में मज़ा आता है और जो कई टाइम से हम मिले नहीं होते हैं और बातें शुरू होती हैं और सब कुछ होता है, वो माहौल कुछ और ही होता है, एंड वी ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। तो जब हमें ये शूटिंग के दौरान वो जीने का मौका मिला, वो फील करने का मौका मिला, सो आई थिंक ऑन सेट ऑल्सो इट वॉज लाइक अ बिग फैमिली कमिंग टुगेदर, और वो जो 50-60 दिन हमने साथ में शूट की लगातार, तो वो बड़ा मजा आया, एंड आई थिंक दैट वॉज द रिलेटेबल फैक्टर फॉर अस कि यार एक। एंड माय क्वेश्चन इज टू डीनू, डीनू इफ यू सी योर फिल्मोग्राफी मोस्ट ऑफ अगला आपकी ये जो फिल्म है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, उसमें क्या फेक मुद्दे से आप कॉमेडी निकालने वाले हो? Is that already going on in your mind? No, actually this we have a very talented writers here. So as he was finishing Mimi, we have Sharda here. A little bit about Stree 2, when is it going to happen? How is it going to come? Something. Not the right time, but we are coming next year. That's it. Thank you. आप बहुत अच्छी पूछने की कोशिश कर रहे हो। अभी ना वन आई वन आई वांटेड टू आस्क या हाय प्रिंसी आई थिंक माय जॉब इज टू प्रोसेस द कैरेक्टर एंड द वर्ल्ड दैट दैट कैरेक्टर बिलोंग्स टू। दुनिया कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, तो मुझे उस हीरो को समझना होता है एंड फिर उसको सच्चाई से निभाना होता है, बाकी द अदर पार्ट ऑफ इट कि वो दुनिया कैसी होनी चाहिए, कितनी सच्ची होनी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, दैट आई थिंक इज मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा जहाँ तक काम आता है मैं उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ एंड आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू लिव इट एज ट्रूथफुली एज आई कैन। Hi, this is Sohail here from Ancient Bollywood. Right mein aapke yahan hai. Haan ji, haan ji. Trailer is amazing. Everyone can relate, and you know. Sir, I just wanted to ask you, you are looking very beautiful in the sari. Aur jo zara hatke jo yellow ka jo combination hai, I think so that was with that purpose you wore that thing or kya tha? I don't know. I was that wasn't the purpose. Bahut hi achhe lage ho aap. It was on purpose. It was not on purpose. He's coming and saying कि अरे हमारा logo yellow था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैंने नहीं पूरा नहीं था। पूरा trailer 6 बार देख चुकी है। लेकिन actually बस हाँ ठीक है वाला। Okay, one last question from my side. One last question. तुझे इसलिए yellow साड़ी पहनी? नहीं, मैंने knock out जो किया था तेरे गाड़ी में, रिक्शा में, इसीलिए। जब मैं बताऊँ क्या था, मैं बताती हूँ। Knock knock. Who's there? Yellow. You know, honestly, sir, like, of course, relatability and empathy to your characters helps you, but with the kind of work that I have been doing, you know, I just finished a film called Gaslight,
I'm playing a freedom fighter in a film that I'm shooting. So I think like ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है वाला relatability ज़रूरी नहीं है कि हर जगह होगा. I mean I'm unmarried, you know. So I think that more than just relating in the way of feeling like you've lived that life, it's important to understand आपके किरदार के जो emotions हैं, आपके किरदार के मन में क्या चलता है. And I think that when you have a director like Lakshman Atnekar guiding you, you don't really need much more than that. So yeah, of course, I mean, she's a relatable girl. Her personality is something that I can understand, something that I can relate to. She's a Punjabi girl, so that's cultural upbringing that, again, I can relate to. But as far as it, you know, her life... Are you that angry with your better halves generally, like this character? I can be. Depends on how up the wall they drive me. But I think the essence is that basically, I think Lakshman sir relates to this world really well. And I relate to him very well. So it helped. So divorce ho kyun hai? Second June. I think toh kharate maarta hai na kya? Divorce ho gaya. Big fan. कल का प्लान? हाँ ज्वाइन कर सकते हैं. बताओ अभी तक पूरा सीरियसली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ. आप बताओ कहाँ मिलना है, हम वहाँ मिल लेंगे. विक्की के लिए टूटी फूटी के लिए विक्की वाला ये ऐसी चीजें बोलता है. हाँ जी सर, क्या बात है, सर ये माइक तो इनको माइक तो क्या बोला आपने, सुन लो. शाम को घर भी जाना है, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहे हो. बच्चा हूँ अभी, बड़ा तो हो लेने तो ऐसे जवाब दो इसका मैं. अरे पर ये इतना खतरनाक सवाल पूछा है. सवाल पे ही लाभ पड़ जाए. सर जन्मों जन्मों तक क्वाइट सचिन सर प्लीज बी अगर तो किसे दुनिया चाहिए.
निकलता है।